समय के लोग पौष्टिक आहार को कम अहमियत देने लगे हैं और फास्ट या जंक फूड की तरफ उनका रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे होने वाले नुकसान के बारे में सब जानते हैं, बावजूद इसके जंक फूड के सेवन में कमी नहीं आ रही है। विश्व में मोबाइल फोन मनुष्यों को एक दूसरे से जुड़े रहने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। मोबाइल फोन के बिना मनुष्य एक पल भी नहीं रह सकता और ना ही अपने कार्य को पूरा कर सकता है। दोस्तों, यदि आप मोबाइल फोन उपयोग करते हैं तो यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फोन के लाभ और हानि क्या क्या हैं। आज के समय में मोबाइल फोन हर किसी की जरूरत सा बन गया है। मोबाइल फोन से लोग गेम खेलने, पिक्चर देखने, फोटो खींचने, संगीत सुनने और वीडियो बनाने के साथ ही व्यक्ति का मनोरंजन हो जाता है। लेकिन मोबाइल फोन से जितना लाभ है वही मोबाइल फोन से अनेक हानि भी हैं। इस विषय में चंदौसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर हरवेंद्र सिंह ने क्या कहा, सुनते हैं इस खबर में। क्या नाम है आपका? डॉक्टर हरवेंद्र सिंह। किस हॉस्पिटल में आप तैनात हैं? समय CSC चंदौसी। तब जैसे कि इस समय जो फास्ट फूड का जो चलन चल गया है, जो अक्सर आप भी देखते होंगे, जगह जगह ठेले खड़े हैं, जगह जगह रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, वहाँ पर अक्सर लोग फास्ट फूड खाने के ज़्यादा शौकीन हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? असल में जो फास्ट फूड या जंक फूड जिसको बोला जाता है, इसमें ख़ास तौर से अलग अलग किस्म के ऑयल और स्पाइसेस जो यूज़ किए जाते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के जो रक्त कोशिकाएं, रक्त सिराएं होती हैं, उन पर काफ़ी असर डालते हैं। और उनका ये असर ये भी रहता है कि वहाँ पे इनका जमाव होने लगता है, क्योंकि लीवर का काम है कि इन चीज़ों को सही करना, काफ़ी हद तक लीवर इस चीज़ को करता, पर उसके बावजूद भी एक स्टेज पे आके ये चीज़ें हमारे रक्त जो नलिकाएं हैं वो अपनी मोटी होने लगती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा यही है कि दिल पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हार्ट ही पूरे शरीर को, हमारा दिल जो पूरे शरीर को रक्त का संचार करता है, जिससे कि उसके उस पर बहुत ज़्यादा खतरा होने के चांसेज होते हैं हार्ट अटैक होने के। जैसे कि इस समय देखा जा रहा है कि हार्ट का मामले कुछ ज़्यादा सामने आ रहा है, तो उसका कहीं एक वजह ये भी तो नहीं है? देखिए, हार्ट अटैक होने की कई वजह होती हैं। एक तो हमारा लाइफ स्टाइल, जिस तरीके से हम ज़िंदगी जी रहे हैं, सुबह सुबह जैसे कि हमारे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि खास तौर से जैसे कि हम मोबाइल में सारी चीज़ें कोशिश करना चाहते हैं, फिज़िकली वर्कआउट कोई नहीं करने की कोशिश करते मैक्सिमम बंदों के। दूसरा, ओबेसिटी, वज़न बढ़ जाना, मोटापा बढ़ना, ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है, जिसकी वजह से कि आप बस एक ही बहुत ही सिंपल हल्का सा काम किसी तरीके से मोबाइल पर मेरा हो जाए, या ऑनलाइन कोई फूड के लिए बोल दिया जाए अपने आप हाथ पैर, तो ख़ास तौर से अपने वर्कआउट ना होना, ओबेसिटी, वजन का बढ़ना, स्ट्रेस, और ख़ास तौर से जो आप खाने वाली बात कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर हम संतुलित खाना या सही तरीके का खाना, अच्छा मतलब एक तरीके से जितना हमारा न्यूट्रिटिव डाइट होनी चाहिए वो ना लें अगर, तो इसके खतरे के चांसेस रहते हैं। सब जैसे कि हर एक जगह पे, छोटे शहर या कहीं जगह पे, या जैसे कि हम किसी तकबे से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक को इस तरीके का न्यूट्रिशंस मिले या सलाह दे, तो ख़ास तौर से हमें अपनी डाइट को तीन पार्ट में, सुबह, दोपहर का भोजन और रात के भोजन में बांटते हुए ये देखना चाहिए कि हम वर्कआउट करने मॉर्निंग में जाते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी कैलोरीज का हमें खाना लेना चाहिए, साथ में एक फल हो, दूध हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑयली कम से कम हो इस चीज़ का, तो प्रोटीनिशियस डाइजेस, प्रोटीन की मात्रा अच्छी से ज़्यादा ज़्यादा हो। हमारी ज़िंदगी में जब से इंटरनेट और मोबाइल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आई हैं, हम लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो इससे हमारे शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? इसका वाकई में आपने बिल्कुल सही बात बोली है, इसका बहुत प्रभाव है हमारे शरीर पर, क्योंकि देखिए हमारा कोई भी मशीनरी, ये हमारे एक तरीके से सदुपयोग के लिए बनी थी, न कि हम इनके लिए बने थे, तो दिक्कत यहाँ पे बनती है कि हम इसका बेवजह देर लेट नाइट तक इसका उपयोग करते रहते हैं। और दूसरी एक चीज़ और है, जैसे कि हमें कोई काम भी करना है तो हमें एक वर्क आवर दिए गए हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के जो ऑफिस के काम हैं, तो मुझे लगता है वहीं पर अपना निपटारा हो उसका, उसके बाद घर पर आकर मैक्सिमम इन चीज़ों से दूर ही रहा जाए। इन चीज़ों की वजह से दिक्कत ये बन रही है कि अगर हम शाम को, रात को जल्दी नहीं सो रहे हैं तो सुबह को वही देर से उठा जा रहा है, और सारा हमारी पूरी लाइफ का सर्कैडियन साइकिल जिसको हमारे में बोला जाता है, वो सारा चेंज हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग आवर में हमारे हार्मोन्स का लेवल इतना अच्छा रहता है, उस टाइम पर अगर हम सही तरीके से उठें तो ऊर्जावान भी महसूस करेंगे, अब बीमारियों से भी मुक्त रहेंगे। कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को?
मेरा सभी के लिए संदेश है कि सबसे पहले तो सभी लोग अपनी एक दिनचर्या निश्चित करें। अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए। दिनचर्या निश्चित करें, अपने आप को टाइम दें और अपने शरीर के लिए खास तौर से ऑयली स्पाइसी फूड का कम से कम इस्तेमाल किया जाए ना करें। और दूसरा, प्रतिदिन व्यायाम जरूर किया जाए, जो वर्कआउट जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।